हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। सो टुडे पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर वन, दैट इज रियल नंबर, इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट। सो इन दिस वीडियो जस्ट विल सी द एजम्पशंस और द फैक्ट एंड द रीजन ऑफ दैट फैक्ट। क्लियर? So in this video we'll try to show the evidence of any statement. Clear? So if you are having any statement and that statement is true, that means if it is asking to show this thing, that means you need to give evidence, you need to give its proof. Clear? सो एविडेंस देना, इसका प्रूफ देना है, देन ये स्टेटमेंट हम लोग फाइनली बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और ट्रू। क्लियर? सो लाइक दैट वी आर हैविंग अ क्वेश्चन, दैट इज सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 where q is some integer, this is statement, but इसको दिखाना है, is it correct or not correct? Clear? So just अगर हम लोग कोई भी even number में odd number add करते हैं तो क्या होता है? Odd होता है, but question is that so that any positive integer is of the form this, any positive odd integer, this is odd. Clear? Any positive odd integer, odd. Clear? Is of the form 4q+1 and 4q+3. Clear? Any positive odd integer. Clear है? अब हम लोग देख रहे हैं कि ये इवन नंबर में odd नंबर ऐड करने से क्या आता है? Odd नंबर आता है. सेम हियर, इवन नंबर में odd नंबर ऐड करने से क्या आता है? Odd आता है. सो दिस इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, 100% करेक्ट, बट वी नीड टू गिव इट्स रीजन। हम लोग को यहां पे क्या करना है? इसका रीजन देना है, इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। क्लियर है? तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग कोई दूसरा इंटीजर को सपोज करेंगे कि लेट अस सपोज लेट ए बी एनी इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या ए एक कोई दूसरा ऑड इंटीजर है एंड बी इज इक्वल टू, एंड बी इज इक्वल टू, बी उस नंबर को लेना है जो नंबर में हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, तो 4 + 4q + 1 4q + 3, दैट इज दैट नंबर शुड बी बी। सो बी इज इक्वल टू 4 for some integer। अब हम लोग एक चीज यहां पे देखेंगे, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम। नाउ अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम लोग इसमें डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि सिंस आर जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन थ्री, आर इज लेस देन थ्री,
r is less than 4. 0 less than equal to r and r less than 4 for some integer, suppose बोल दिए r. Clear? अब उस r को हम लोग बोल रहे हैं क्या, वो जो r है क्या है, r जो है 0 से बड़ा है या 0 है, r क्या है 0 से बड़ा है या 0 है, लेकिन r क्या है 4 से छोटा है. क्लियर है? अब दिस विल सेटिस्फाई, सो दिस विल सेटिस्फाई फॉर द पॉजिटिव रिमाइंडर्स आर. अब इन तीनों के बीच में क्या कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, आर का वैल्यू आर इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, यही होगा ना. इन तीनों का बीच में कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, 0, 1, 2, 3. क्लियर? अब ये 0, 1, 2, 3 का वैल्यू हम लोग अगर इस फॉर्म में रखते हैं, 4q+1 दैट इज a इज इक्वल टू 4q+1 4q+r. सो a इक्वल टू, इफ r इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, देन a इक्वल टू 4q, a इक्वल टू 4q, a इक्वल टू 4q+1, a इक्वल टू 4q+1, a इक्वल टू 4q+2 और a इक्वल टू 4q+3. इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है. अब इन तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि 4q+1 एंड 4q+3 इज हियर, 4q+1 एंड 4q+3 इज हियर. दैट मींस एनी ऑड इंटीजर्स, दिस इज ऑड वन, दिस इज ऑड वन, दिस इज ऑड वन. सो एनी ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड दिस. हेंस एनी ऑड इंटीजर्स is of the form 4q+1 or 4q+3. Clear hai? Note kare, note kare. Okay. सो नेक्स्ट, इसी तरह से वेरिफिकेशन की जब बात है तो हम लोग ऑल डिफरेंट क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे whether it is telling correct or not. सो फॉर वेरिफिकेशन वी नीड टू गिव एविडेंस. क्लियर? सो प्रूव दैट root 3 is irrational. क्या करना है कि root 3 को irrational proof करना है. चलो यहां पे एक छोटा सा बात है कि देखो root 3 already irrational है. क्लियर है? अब ये ऑलरेडी इरेशनल है, इसको प्रूव करना है कि इरेशनल है तो हम लोग को क्या देना होगा, इसका एविडेंस देना होगा कि हाँ ये इरेशनल है. दैट मीन्स रूट थ्री डज नॉट होल्ड द रूल ऑफ रेशनल. रूट थ्री रेशनल नंबर का रूल को फॉलो नहीं करता, होल्ड नहीं करता. दैट्स व्हाई रूट थ्री इज इरेशनल. रूट थ्री अगर रेशनल का जो रूल है, रेशनल का जो प्रॉपर्टी है वो अगर होल्ड करता तो इरेशनल नहीं कहलाता, बट ये होल्ड करता ही नहीं है इसलिए इरेशनल कहलाता है. तो हम लोग इसको दूसरे ढंग से बोलेंगे कि इरेशनल नहीं बोल करके इसको बोलेंगे कि इरेशनल है. लेट अस सपोज तुम्हारा क्लास में किसी ने पेन चुरा लिया, ठीक है, और तुम बाहर निकले थे लंच के लिए, राइट,
अब कोई क्लास में था और किसी ने ले लिया, तुम क्लास में वापस आए तो पेन नहीं था, तो पेन नहीं था तो जो क्लास में है उसी पे तुम्हारा डाउट होगा कि यही रखा होगा, डेफिनेटली डाउट होगा, क्लास में ये था तो यही रखा होगा, बट वो रखा नहीं था तो तुम क्या कहोगे? तो तुम बोलोगे कि नहीं तुम क्लास में थे तो तुम ही मेरा पेन दो, क्योंकि तुम ही क्लास में थे और कोई नहीं था, ठीक है? और कोई था या नहीं था तुमको पता नहीं है, बट वो क्लास में था ये तुमको पता है, क्लियर? अब तो जब तुम उसको बोले हो कि पेन मेरा तुम लिए हो, तो वो क्या करेगा? वो तो लिया है नहीं, तो वो बताना शुरू कर देगा कि पेन हम नहीं लिए हैं, पेन कोई और लिया है, क्योंकि हम उस पे लगाने जा रहे हैं जुर्म। अब हम उस पे जुर्म लगाए तो वो जुर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो किसी और को बता देगा कि हाँ कोई और लिया है, सच्चाई बताएगा। सिमिलरली √3 इरेशनल है, हम लोग इसको रेशनल बोलेंगे, तो जैसे ही हम लोग इसको रेशनल बोलेंगे तो रेशनल का जितना भी कंडीशन है ये फुलफिल करना चाहेगा, और पता चलेगा कि रेशनल नंबर का ही कंडीशन फुलफिल नहीं किया, वहीं पे हम लोग को ये प्रूफ मिल जाएगा, दैट्स व्हाई √3 इज इरेशनल। क्लियर है? इसको सबसे पहले रेशनल बोलेंगे, और जैसे ही रेशनल बोलेंगे तो रेशनल का कंडीशन सब ये कोशिश करेगा फुलफिल करने का, और जैसे ही फुलफिल नहीं कर पाएगा वैसे ही हम लोग बोलेंगे √3 इज इरेशनल। सो लेट अस सपोज विथ कंट्रारी दैट, सो लेट अस एज्यूम विथ कंट्रारी दैट, विथ कंट्रेरी दैट √3 इज इरेशनल, सॉरी √3 इज रेशनल। हम लोग एक कंट्रेडिक्शन ले रहे हैं, अगेंस्ट में जा रहे हैं कि √3 क्या है? रेशनल है। तो जब ये √3 रेशनल है तो देयरफॉर वी कैन फाइंड, देन वी कैन फाइंड एन इंटीजर ए अदर देन 1। अगर ये √3 क्या है? रेशनल है, तो हम लोग एक ऐसा इंटीजर फाइंड करते हैं जो 1 से कोई अलग है, क्योंकि अगर इसके पास 1 से कोई दूसरा नंबर है तभी तो वो उसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 2 है तो इसका फैक्टर 1 है और 2 है, लेकिन 1 और 2 के सिवाय अगर ये कोई दूसरा फैक्टर है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है? दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 और 2 से 1 से कोई दूसरा फैक्टर है। सो दिस इज वी कैन फाइंड एन इंटीजर ए अदर देन 1। सो अदर देन 1 एंड ए एंड बी, वेयर वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, दैट इज √3 इज इक्वल टू ए बाई बी। तो √3 क्या है? रेशनल का होल्ड करना शुरू करेगा कि ए बाई बी के फॉर्म में है, क्योंकि अदर देन ए और बी दो नंबर है 1 से। क्लियर? तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि सपोज ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, वी कैन डिवाइड बाय अ को प्राइम नंबर, देन दिस विल गिव यू बी रूट थ्री इज इक्वल टू ए। सो नाउ स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो वील गेट बी स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 3, √3 का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? सिंस ए स्क्वायर इज, सो दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर?
So since a square is divided by 3, since a square is divided by 3, then we can write a equal to 3c. We can write a equal to 3c for some integer c. अब हम लोग क्या बोले कि a square is divided by 3, मतलब a square is divided by c 3, that means c is some integer that is equal to 3c. क्लियर है? अब नाउ इन प्लेस ऑफ a जस्ट यू पुट इन इक्वेशन 1. नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 कैसा दिखेगा? सो दिस विल बी 3b² इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ a वी पुट 3c, सो दिस विल बी 3b² इज इक्वल टू 9c². सो दिस इज नाउ ऑल्सो दिस विल गिव यू b² इज इक्वल टू 9c² बाय 3, सो b² इज इक्वल टू 3c². दिस मीन्स b square is also divisible by 3. अब हम लोग यहां पे देखे थे इक्वेशन 1 में कि a square is divisible by 3 and b square is also divisible by 3. That means b square is divisible by 3. That means 3 is the common factor. That means 3 is the common factor between a and b. Hence, root 3 is irrational number. क्लियर है? नोट करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टाइप, सो दैट फाइव माइनस रूट थ्री इज इरेशनल. 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. सो हम लोग देखते हैं कि रेशनल दिस इज इरेशनल. सो 5 माइनस रूट 3 इज अ सेट ऑफ नंबर्स दैट इज इरेशनल. सो इन द प्रीवियस क्लास जस्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर. Difference between rational number and irrational number is irrational number, isn't it? So here 5 minus root 3 is irrational number, that we have to prove. So we need to just assume again that 5 minus root 3 is a rational number. That means let us assume with contrary that
5 minus root 3 is rational. 5 minus root 3 is rational. That is, 5 minus root 3 is rational. That is, we can find coprime, coprime other than prime, that is coprime A and B, and B not equal to 0, such that same process 5 minus root 3 is equal to A by B, 5 minus root 3 equal to A by B. So this will be 5 minus A by B is equal to root 3. Clear? So rational minus rational, that is equal to irrational. यहां से भी क्लियर है, रेशनल को रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पे इरेशनल कभी नहीं आता है, बट हियर इज कमिंग, 5 माइनस ए बाई बी दैट इज इक्वल टू रूट 3 है, दैट इज इरेशनल. हेंस वी कैन से हियर डायरेक्टली रूट 3 इज इरेशनल. बट जस्ट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो रीअरेंजिंग द इक्वेशन एंड सॉल्विंग फॉर रूट 3, सो दिस विल गिव, so B is LCM, so 5B minus A that is equal to root 3. Clear? 5B minus A that is equal to root 3. So since A and B are integers, we get Then we get 5 minus a by b is rational and so root 3 is rational, and so root 3 is rational. This is why. This is because 5 is rational number, A by B is also rational number. So the difference of two rational numbers, that will not be equal to irrational number. That's why 5 minus A by B is rational number, and this is equal to root 3 is rational number. And that does not hold the contradiction about the root 3 is irrational number. Clear? So, hence we conclude that 5 minus root 3 is irrational number. Clear? So, this type of question may be asked in exam of 2 or 3 marks, but there is nothing but steps that you have to give. Contradiction 1, contradiction, assumption, we need to give proof, or steps 4 or 5 steps. यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को लेना ही लेना पड़ता है. इसका अपोजिट में आप एज्यूम करिए, मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ पे दिखाइए, एंड देन फाइनली रिजल्ट दिखाइए. दैट्स इट. Very simple. So this type of question, if it is asked in exam, na, just you take 4 or 5 steps and then finish it. Assume kare, A or B ka form dikhae, mathematical derivation dikhae, and then conditions dikhae ki hold kya kiya, contradiction yahan pe fail kiya, opposite hua, hence what we are finding, that is your result. Clear? Okay.
तो इसी तरह से चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहां पे हमने देखा था कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, समटाइम इट विल बी फ्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, मल्टीप्लीकेशन टर्म ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आल्सो बी सॉल्व लाइक दिस प्रोसेस। सो डोंट फॉरगेट दैट देयर इज नथिंग बट एजम्पशन और फोर और फाइव स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? सो बी कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट बुक्स लाइक एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा एंड देन यू गो थ्रू द क्वेश्चन। वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, दैट विल बी वेरी इजी। सारे क्वेश्चन में यही सारे कंडीशन अप्लाई किया है, कुछ नहीं है, कंडीशन है। क्लियर है? सो बी कंटिन्यू, बने रहे चैप्टर्स, पढ़ाई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।